Santa Claus died? No. Yes. हाँ स्टमक वॉज डन ना, खाना डाइजेस्ट कर लिए ना, और कुछ बाकी है? हाँ मतलब स्टमक के अंदर का डाइजेशन हो गया ना अपना, Fe3 वाला पार्ट भी हो गया। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी स्पोक दैट यू हैव समथिंग लाइक दिस कॉल्ड अ स्टमक, ठीक है? इसको सेंटर पर ही देखिए। हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कुछ ऐसे करके जे शेप का स्टमक होता है हमारे पास, ठीक है? वी हैव समथिंग कॉल्ड एज जे शेप्ड स्टमक व्हिच इज प्रेजेंट। नाउ दिस जे शेप्ड स्टमक दैट वी सी ओवर हियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग योर फूड इनिशियली। नाउ व्हेन दिस फूड इज सपोज टू गेट डाइजेस्टेड, यू नो दैट यू हैव अ स्फिंक्टर प्रेजेंट ओवर हियर। क्या बोलते हैं स्फिंक्टर को? यू कॉल इट एज कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ से फूड पार्टिकल आता है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? कार्डियक रीजन। इस पार्ट को क्या कहेंगे? इस पार्ट को बॉडी। एंड दिस विल बी पाइलोरस, ठीक है? यू कॉल दिस टू बी एज पाइलोरस। नाउ व्हाट एवर फूड गेट्स डाइजेस्टेड ओवर हियर विल बी एट व्हाट पीएच? 1.8। द फूड गेट्स डाइजेस्टेड एट पीएच 1.8 व्हिच इज प्रोवाइडेड टू इट बिकॉज ऑफ HCl. And why does it require 1.8 pH? Pepsin. Correct. To convert pepsin, wait, I said. To convert pepsinogen into? Pepsin. To convert pepsinogen into? Pepsin. Correct. Because pepsin gets functional only at pH 1.8. Clear yahan tak? Any doubts? अच्छा, उसके बाद इधर वो पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। प्रोटीन को जब वो डाइजेस्ट करता है, इट डाइजेस्ट इनटू व्हाट? पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सो यू गेट पेप्टाइड्स, यू गेट पेप्टोन्स, एंड यू गेट समथिंग कॉल्ड एज प्रोटीओसिस, ठीक है? यू गेट समथिंग कॉल्ड एज प्रोटीओसिस। प्रोटीओसिस क्या होता है सर? छोटे प्रोटीन को प्रोटीओसिस कह सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज बन के मिल गया। इसके अलावा माउथ रीजन में वी हैड अमाइलेज विद डाइजेस्टेड स्टार्च। Yes or no? What percent of starch got digested in mouth? 30% starch got digested. So you have digested starch over here, 30% digested starch over here. You have your protein which got partially digested in the stomach. अब यहाँ पे stomach में जो है वो कुछ fluid जैसा material बन जाएगा, because उसके पास बहुत सारे enzyme है और जो food particles है वो तोड़ा हुआ है। तो ये जो टूटा हुआ chemical यहाँ पे अपने को बन के मिल रहा है, to that which let's say somewhat like this, कुछ ऐसा केमिकल इधर बना रहेगा जो पार्शियली डाइजेस्टेड केमिकल है, लिक्विड जैसा, ठीक है? हमने वो देखा है, वो ऐड होता है पेट सफाई वाला या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने वाली दवाई का ऐड होता है उसमें। देखो दिखाते हैं कि स्टमक के अंदर पानी जा रहा है, गुल 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 करके सारा चीज लिक्विड का निकाल के बाहर निकाल रहा है। सम ब्राउनिश कलर सब्सटेंस दैट कम्स आउटसाइड, सो दैट ब्राउनिश कलर सब्सटेंस दैट यू सी व्हिच इज डाइजेस्टेड मटेरियल, partially digested material is called as chyme. काइम बनता है, कोई काइम बोलता है, कोई चाइम बोलता है, ठीक है? कोई चिम बोलता है, up to you. Spelling याद रहना चाहिए, I prefer calling it as chyme, ठीक है? तो काइम बन के मिल जाता है अपने को। अब ये काइम, is it a completely digested food product? No. I am yet to digest it. So this chyme that is so formed will now enter in small intestine. Now when it has to enter in small intestine, again यहाँ पे एक sphincter होगा। अब sphincters क्या है? जो हमारा muscularis region होता है, वो काफी जाड़ा हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे एक जाड़ा muscles हो जाते हैं। समझ पा रहे? So you have one sphincter over here and one sphincter over here. अब काइम भी जो रहेगा, जब उसको नीचे जाना रहेगा तो यू करके नीचे जाएगा, पूरे वो muscles को स्ट्रेच करके नीचे जाएगा। सो व्हेन इट इज स्ट्रेचिंग द मसल एंड एंटरिंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्फिंक्टर दैट वी सी ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर स्फिंक्टर दैट वी सी ओवर हियर इज कॉल्ड पाइलोरस रीजन में है। सो यू कॉल इट टू बी एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। काय म्हणणार आपण ह्याला? पाइलोरिक स्फिंक्टर। आसान बेटा, एनी डाउट सो फार? फूड जो है वो यहाँ से आगे जाएगा टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस। बताओ ये क्या था? ड्यूओडेनम। और ड्यूओडेनम से आगे होके वो जाएगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेयर इट इज गेटिंग डाइजेस्ट। यस और नो?
everyone. Now for food to get digested completely in duodenum, you require lots of enzymes. और enzymes तब activate होते हैं यहाँ पे जब उसका pH towards base हो जाएगा, ठीक है? अब basic pH मतलब क्या? Basic pH मतलब we require pH 7.8. देखो mouth में जब digestion हुआ, तब pH क्या बना था हमारा? 6.8 neutral के आसपास. फिर जब stomach में आया तब pH क्या बना? 1.8. अब जब intestine में जाता है ना, तो वो alkaline बन जाता है. तब सब तो something called as 7.8. आवे clear up to you बेटा? Any doubts? समझ पा रहे हैं? अब ये pH 7.8 लाने के लिए you require some juices to be released, some enzymes to be released, ठीक है? However, enzymes do not maintain pH. You have something else that helps in maintaining pH. क्या होता है बताओ? You have something called as bijuices. This we have done in our foundation also. For people who have second foundation would be knowing this one, ठीक है? So bijuices say pH 7.8 बनाया जाएगा, ठीक है? अब बायोजूस कैसे हेल्प कर रहा है सर? वो समझने के पहले ये समझते कि बायोजूस कहां से सिक्रेट होता है सर? कहां से सिक्रेट होगा बायोजूस? किडनी से नहीं, इट सिक्रेट्स फ्रॉम लिवर. लिवर हमको पता है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड दैट वी हैव इन आवर बॉडी, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं. श्रावणी जस्ट कॉल देम नाउ. फटाफट सबसे पहले अंदर आने को बोला फिर भी उधर ही खड़े. सबसे पहले when we talk about liver, we know that you have a largest gland that we see in your body is liver. Yes or no? Now this liver is basically a gland. Gland means a particular structure that is responsible for secretion of chemicals. Yes or no? अब जब ये केमिकल्स सिक्रीट होते हैं तो दो प्रकार से सिक्रीट होंगे. कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे और कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे जो डक्ट के अंदर जाते हैं. मतलब कुछ पाइप जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिससे वो एक ग्लैंड से दूसरे ऑर्गन तक डायरेक्ट जाएगा उस पर्टिकुलर डक्ट के द्वारा. ब्लड को छुएगा ही नहीं, बाहर से ही निकल जाता है. अब क्योंकि वो बाहर से ही निकल जाता है हम उसे क्या कहेंगे? Exocrine gland. So this is the largest exocrine gland. Of course, it is the largest gland of your body. हमारे body का सबसे बड़ा gland यही होता है. Endocrine gland या exocrine gland. लेकिन क्योंकि ये exocrine का काम करता है, इसलिए हम specify भी कर रहे हैं कि वो exocrine gland. ठीक है? Where is it present? होगा कहीं पे. This is present towards the right abdominal region. Yeah, right abdominal cavity. Right of abdominal cavity. You know that there are three cavities we've discussed, right? Initially, introduction के समय पे. कौन से तीन cavity? Correct. जो thoracic cavity है उधर तो अपने lungs और heart आ गए. ठीक है, फिर डायफ्राम आ गया तो वहां पे स्टमक आ गया. स्टमक के राइट साइड पे लिवर होता है. लिवर इज समवेयर सिचुएटेड ओवर हियर. आर वी गेटिंग इट? स्टमक इज हियर. ये स्टमक नहीं होता, ये स्टमक है इधर. और यहाँ पे यू हैव लिवर विच इज सिचुएटेड. आर वी क्लियर? एंड किडनी स्लाइटली लोअर टू दैट समवेयर हियर. पीछे के साइड पे रहता है, इधर होता है किडनी. समझ पा रहे? लेकिन उसके बारे में अभी नहीं देखेंगे. So right of abdominal cavity में right hand side पे रहेगा, ठीक है? इसके अलावा liver जो होता है generally it is 1.2 to 1.5 kg in weight, ठीक है? हमारे body जितने भी किलो का है उसका almost 1.5 kg जो होता है वो liver ही खा जाता है, ठीक है? अब liver is classified to be as bilobed structure. It is a bilobed structure. Bilobed structure मतलब क्या सर? मतलब लिवर के पास एक लोब्यूल कुछ ऐसा होता है और साथ ही में कुछ दूसरा लोब्यूल भी होता है जो कुछ ऐसा दिखाई देगा. अभी गेटिंग है? कुछ ऐसा होता है समवेयर अराउंड ट्राइंगुलर शेप, थोड़ा और पॉइंटेड होगा, ये इतना फ्लैट नहीं होगा.
somewhat like this. So it has two lobules. That's why you classify it to be as bilobed structure. Are we clear? और इसी के अंदर अपना maximum digested food production होगा. Meaning digested food जो है वो सबसे पहले liver के पास ही जाता है. क्यों जाता है, कैसे जाता है, करेंगे हम. ठीक है, पहले लिवर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है और कैसे होता है. ठीक है, सो जब हम लिवर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये उसके दो लोब्स हो जाएंगे जिनमें से यू विल हैव प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस या फिर यू ऑल्सो कॉल इट एज प्रोडक्शन ऑफ बाइल. व्हाट इज बाइल? ये कुछ केमिकल होता है जो वॉटरी होता है, उसके अंदर काफी सारे सॉल्ट होते हैं, काफी लिपिड्स होते हैं उसके अंदर. Enzymes नहीं होते इसमें. It is non-enzymatic in nature. Can come in your neat examination to confuse you all. ठीक है? That which enzymatic action is performed by bile? No enzymatic function is performed by bile. ठीक है? चार statement लेकर नीचे लिखेंगे none of the above. ठीक है? अब खुशी खुशी हम तो mark कर देंगे कि वो intestine में जा रहे थे, intestine के सारे digestion वही कर रहे हैं. नहीं, वो कोई भी डाइजेशन नहीं करता, तो किस बात में हेल्प करता है देखते हैं. यहां पे से वो सबसे पहले बनाता है बाइल जूस. बाइल जूस क्या होता है, किसके लिए काम आता है, वो भी सब समझेंगे. पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक 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 एस्पेक्ट पे जाते हैं. यहां पे इसके अंदर सबसे पहले लिवर के अंदर कुछ ऐसा ना स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है. कैन यू सी दिस? कुछ ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं. बहुत छोटू है, आई डोंट नो लास्ट बेंच पे दिख रहा है या नहीं. दिख रहा है लास्ट बेंच पे? नहीं ना, जूम कर लो अपने आंखों से. आई ज़ूम इन ओवर हियर. कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं समवॉट लाइक दिस. यू सी दैट? ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे पास. ठीक है, एंड यू हैव अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एट सेंटर आल्सो लाइक दिस. ठीक है, इस ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, मल्टीपल भंडार में स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे. इस स्ट्रक्चर को यू कॉल इट टू बी एज लोब्यूल. यू कॉल इट एज लोब्यूल. क्या बनता? यू कॉल इट एज लोब्यूल. आता हे जे लोब्यूल आहे ते लिवर मध्ये आहे, दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज हेपाटिक लोब्यूल. ठीक है, लिवर को हम कहते हैं हेपा, इस वजह से इसका नाम आ जाएगा हेपाटिक लोब्यूल. आप क्लियर बेटा? एनी डाउट्स? हेपाटिक लोब्यूल के अंदर बाइल जूस बनाया जाएगा. ठीक है, तो एक बाइल जूस इस वाले लोब से बाहर निकाला जाएगा कुछ ऐसे, एक बाइल जूस इस वाले लोब से निकाला जाएगा कुछ ऐसे. ये दोनों जगह पे होगा, एक ही है ना, लिवर ही है, उसके दो ऐसे पार्ट है जो ऐसे जुड़े हुए. समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? यू हैव दिस एज योर लार्जर पार्ट ऑफ लिवर एंड दिस एज द स्मॉलर पार्ट ऑफ लिवर, और ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं बस. ठीक है, ऐसे दो अलग हवा में नहीं लटक रहे भाई, ये बीच में मैंने ऐसा तुमको पार्टिशन दिखाया है. ठीक है, कि वो ऐसा जोड़ा हुआ है करके, वो दो अलग अलग नहीं है, सेम है, ऐसे जोड़ा हुआ है वो. ठीक है, एक बड़ा पार्ट होता है और एक छोटा पार्ट होता है. दोनों लोब्यूल में बाइल बनाया जाएगा. ठीक है, दोनों ही लोब में बाइल बनाया जाएगा. एंड यू हैव अ स्मॉलर स्ट्रक्चर विच योर वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल्स. चले आगे. ये हेपेटिक लोब्यूल्स में से यू विल हैव बाइल विच विल बी सिक्रीटेड. यस और नो? अब ये जो बाइल सिक्रीट हो रहा है वो इस डक्ट के द्वारा आएगा, तो इस डक्ट को हम क्या कहेंगे? So this particular duct that you see over here is called as hepatic duct. क्या मानना है यहाँ पर? Hepatic duct. ठीक है, और ये hepatic duct जो रहेगा वो आगे जाके कुछ ऐसे करके हमारे intestine में bile को छोड़ देता है. लेकिन हर बार ही बनाया और फेंक दिया, बनाया और फेंक दिया, वैसा नहीं होता. जब जरूरत है सिर्फ तभी bile जाता है. Meaning bile production non-stop होता है, लेकिन प्रोडक्शन हुआ और सीधा डाल दिया इंटेस्टाइन में, वैसा नहीं होता बेटा. जब जरूरत होगा सिर्फ तब दिया जाएगा. समझ पा रहे? जैसे रोटी मम्मी स्टॉक में बना के रखी है तुम्हारे लिए, ठीक है, जैसे ही बनाया वैसा दे दिया, तुम हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता ना.
तुम आओगे तभी वो रोटी परोसेगी ना तुमको, या बस थाली से जाके रख ले, तुझे खाना है तो खाने, तो वो रोटी में फेंक देगी, नहीं आए तो. That doesn't happen. So likewise bile बना दिया जाता है और वो बनाया हुआ bile जो है वो duct के द्वारा आगे आ जाएगा, and आगे आने के बाद it is stored in some structure. Liver के अंदर ही कुछ ऐसे structures होते हैं. Can you see this? Liver के अंदर ही you have some structure like this. Can you see the structure? इसे हम क्या कहेंगे? Very good. You call this structure as gall bladder. To whatever bile is been synthesized, whatever bile that has been synthesized will be stored in gallbladder. Stores bile, and also it tends to concentrate bile. समझ पा रहे? Concentrate bile मतलब क्या? Bile का quantity बढ़ाना. ठीक है, बाइल में से पानी कम करना और ज्यादा से ज्यादा बाइल वाले कंटेंट इंक्रीज करना. ये बाइल वाले कंटेंट क्या है? धीरे धीरे यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? एनी डाउट्स? क्या बोले हम? लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, 1.5 किलो का होता है, 2 लोब से बना है, दोनों लोब में लोब्यूल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स. देखो लोब अलग, लोब्यूल्स अलग, लोब बड़ा, उसके अंदर छोटे छोटे और शंख और सेक्शंस है, which will be called as lobules. करते हैं? तो ये हिपैटिक लोब्यूल जो रहेगा, याद रखना हेक्सागोनल शेप के होते हैं. ठीक है, हेक्सागोनल शेप में सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं कुछ ऐसा, जिसके अंदर बाइल बनाया जाता है. कैसे बनाएगा वो भी बताऊंगा, रुको पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ठीक है, तो ये हिपैटिक लोब्यूल्स में से यू विल हैव बाइल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट बाइल गोज थ्रू सम डक्ट एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? हिपैटिक डक्ट. वो डक्ट में से बाइल तो रिलीज होते जाएगा लेकिन वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन के पास नहीं जाएगा, पहले उसको स्टोर किया जाता है, उसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है. कहां पे स्टोर करेंगे, कहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? समथिंग कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर. नाउ क्रिएट अ सेल. दारू जब बहुत पीते ना तो इसको पहले अफेक्ट करता है. क्यों सर? बताता हूं, रुक जाओ. ठीक है, सब पढ़ेंगे, आगे चले थोड़ा. अब जब जरूरत पड़ेगा, व्हेन यू नीड, व्हेन यू वांट द things to pass on further, तब क्या हो जाएगा? So you have a particular duct which is coming out from here, कुछ ऐसे, समझ पा रहे? This duct, small duct that comes outside from here is called as cystic duct. क्या मतलब? Cystic duct. ये cystic duct और ये hepatic duct. Can you see this now? डिफरेंस समझ रहा है? सिस्टिक डक और हेपेटिक डक मिलके एक लंबा डक्ट बनाते हैं, कुछ ऐसा. डक्ट विल गो टू सम, मतलब ये उसने स्टमक को भी सरपास कर दिया है. इस पर्टिकुलर डक्ट को यू कॉल इट एज कॉमन डक्ट. क्या मतलब? कॉमन डक्ट. देखो अब तक हम 3 डक्ट पढ़ चुके हैं, 3 पाइप पढ़ा हमने. सुशांत कौन सा पढ़ा? हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन डक्ट. कॉमन डक्ट माने क्या? कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन डक्ट इज नथिंग, कॉमन बाइल डक्ट. आवे क्लियर बेटा? चले आगे. अब कॉमन बाइल डक्ट नीचे जाता है, मतलब वो ये जो हमारा दिख रहा है, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट. यहां आने के बाद ये कॉमन बाइल डक्ट, अब इधर में थोड़ा कुछ, let's say this is the stomach region that we have. ठीक है, मुझे पता कि ये stomach नहीं दिख रहा है, imagine this to be a stomach. ठीक है, ये यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा C shape का structure आ गया. And here, along with the C shaped structure, यहाँ पे कुछ ऐसा structure होता है. Stomach के just नीचे, large intestine के ऊपर. Are we getting the point? स्टमक के नीचे, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर चला गया और यहां पे कुछ ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है. आर वी गेटिंग द पॉइंट बेटा? सो लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर और स्टमक के नीचे, आर वी एबल टू इमेजिन दिस? तन्वी गुड मॉर्निंग. सिद्धि भाई, हाँ, ये पैनक्रियाज हो गए. क्या हो गया ये? पैनक्रियाज. अभी डक उसका बाइल डायरेक्ट इंटेस्टाइन में नहीं डालता, ये मैंने बताया था.
गोल गोल घुमा के डालता है, डरपोक है बेचारा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जा पाता। वो बोला मैं एंजाइम लेके नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, चलेगा क्या, वो मेरे को मारेगा तो नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको जो चाहिए वो एक पार्ट को मैं दे रहा हूँ, मैं उसको पीएच बना के दूंगा, ठीक है, और उसको डाइजेशन में भी हेल्प करूंगा, लेकिन एंजाइम नहीं दे पा रहा यार, मेरे पास वो है ही नहीं, वो कैपेबिलिटी से नहीं है कि मैं एंजाइम दूं उसको, मुझे भी तो एंजाइम चाहिए बिकॉज आगे मुझे भी तो काम करना है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो पैंकर बोलता है ठीक है तो एक काम कर, मेरे साथ आ जा, मेरे साथ जाएगा ना तो उसको पता नहीं चलेगा कि तू नहीं लाया था, मैं बोल दूंगा कि हम दोनों का एंजाइम साथ में ये ले, ऐसा, समझ पा रहे। तो पैंक्रिया के अंदर यू विल हैव सम एंजाइम्स व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दोस एंजाइम्स आर पास्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर डक्ट। कैन यू सी दिस डक्ट? यस सुनो बेटा, ये डक्ट दिख रहा है, ये पैंक्रिया का डक्ट है, तो इस डक्ट का नाम क्या रखेंगे हम? ये इसको इरेज कर दो, चलेगा? समझ पाओगे ना कि वो स्मॉल इंटेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर है। ये डक्ट क्या हो गया बेटा? This is pancreatic duct. क्या हो गया ये? Pancreatic duct. Smart हो गया अपन, है ना? अब pancreas में से क्या आया? Pancreatic enzymes. Pancreatic enzymes क्या होते हैं? बचपन में पढ़ चुके हैं, हम अभी भी पढ़ेंगे वापस, लेकिन बचपन में हमने पढ़ा है कि pancreas के enzymes जो है वो small intestine में जाते हैं। Yes or no? Yes. तो यहाँ से जो है वो enzymes pancreatic duct में आ गए। कैसे आए वो भी पढ़ेंगे। Overview देख रहे, ठीक है, ये एंजाइम्स इसमें आ गए डक्ट में। अब डक्ट में आने के बाद ये बेचारा त्रस्त है, जल्दी आ, वो बुला रहा है, फूड कब से उधर वेट कर रहा है, तो बोला रुकना अभी इतना बड़ा है, कैसे मैं लेकर आऊं फट से, तेरे पास तो स्टोरेज भी है, मेरे पास स्टोरेज थोड़ी है, तुझको पहले से पता चल जाता है कि ऐसा कुछ करना है, मुझे थोड़ी पता है, मुझे तो बाद में बताता है, तो रुक जा थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोला ठीक है लेकिन जल्दी आ, तो बोला हाँ हाँ आता हूँ, ठीक है, अभी इधर आ गया। नाउ व्हाट यू विल हैव, बोले अच्छा अभी फटाफट तू आ जा, तो बोला आया आया, साथ में आ गए। अब दोनों साथ में आके आगे बढ़ रहे, दिख रहा है ये, दिस बिकम्स अ कॉमन डक्ट। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरे पास दूसरा कलर नहीं है ड्रॉ करने के लिए, बिकॉज अगर मैं कोई और कलर ड्रॉ करूंगा तो तुम हेपेटिक डक्ट के साथ मर्ज नहीं करोगे उसको। चलो बना देता हूं दूसरे से, ये यहाँ पे आ गया ब्लू कलर का, दिख रहा है ब्लैकिश ब्लू, इफ यू कैन मेक द डिफरेंस इज फाइन, नहीं कर रहे तो छोड़ो, दिख पा रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो डक्ट है ना वो तो कॉमन डक्ट है ना बेटा, वो पैंक्रिया के एंजाइम्स लेके भी आ रहा है और बाइल जूस भी लेके आ रहा है, समझ पा रहे, दोनों ही चीजें लेकर आ रहा है वो, इस वजह से हम इसका क्या नाम रख पाएंगे बताओ? पैंक्रिया का भी लिया, हेपा का भी लिया, सर्वाइकल कॉल इट एज, करेक्ट, जोर से बोलो, परफेक्ट, यू कॉल इट एज हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट, you call it as hepatopancreatic duct, क्या बोलेंगे? hepatopancreatic duct। तो अब तक हमने कौन से duct पढ़े सुशांत? ज्ञानेंद्र, correct, सबसे पहले हमने देखा hepatic duct, ठीक है, जो lobules में से लेकर आ रहा है, फिर gallbladder से लेकर आया, वो हो गया cystic duct, gallbladder और इसके दोनों का mix आएगा common bile duct, वो नीचे जाएगा pancreas को बोलेगा तू भी चल, तो pancreas किधर से लेकर आया? pancreatic duct, दोनों मर्ज हो गए तो क्या बना? hepatopancreatic duct, sort, चले आगे। अब इस पार्ट को ना मैं इधर zoom कर रहा हूँ, बहुत बहुत confusing है ना ये पार्ट, इस पार्ट को हम थोड़ा यहाँ पे zoom करके देखेंगे। ये हो गया हमारा ड्यूओडेनम, बराबर है, ये जो हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट होता है ना उसके पास ऐसा कुछ स्वोलन रीजन होता है, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से मर्ज होता है ना, तो यू हैव सम स्मॉल स्वोलन रीजन ओवर हियर लाइक दिस, दिस बिकम्स योर हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, ये ऊपर से आया हेपाटक कॉमन बाइल डक्ट और ये आगे चला गया टू एस पैंक्रियाटिक डक्ट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर यहां तक बेटा, एनी डाउट्स? अब देखो ये डक्ट को भी उसके फ्लो जो है वो गाइड करते हुए आगे जाना है, इट्स नॉट अ सीन के भाई बन गया तो चलो जाओ ही जाओ, समझ पा रहे। अब देयर आर पॉसिबिलिटीज ना कि यहां से जो है वो बाइल नहीं आ पाया अभी तक, लेकिन पैंक्रिया रेडी है, तो पैंक्रिया अंदर नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा? बिकॉज अगेन यहाँ पे उसके पास चेकनाका है, व्हाट इज दिस चेकनाका? स्फिंक्टर, वेरी गुड, क्या स्फिंक्टर हो जाएगा ये? This particular sphincter that we see over here is called as sphincter of Godai.
क्या बोलते हैं उसको, स्फिंक्टर ऑफ ओडा, क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडा। अब क्या बेटा, एनी डाउट सो फार, याद रहेगा? तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द केमिकल्स दैट आर एंटरिंग थ्रू कॉमन, दैट इज हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अब क्लियर, एनी डाउट्स? अच्छा, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से जब ये आ गया था, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्वोलन पार्ट है। इस स्वोलन पार्ट को बॉडी में कहीं पे भी फुगा हुआ पार्ट रहेगा ना, तो इस उसे हम कहते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। सो दिस इज नथिंग बट हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है? You call it as hepatopancreatic ampulla or pancreatic ampulla, whatever you call it as, ठीक है? फिलहाल हम उसको लिख देंगे as hepatopancreatic ampulla। अभी क्लियर बेटा? अभी क्लियर? Yes। Any doubts? करते हैं। हेलो, अपन क्या बना ले? Pancreatic। This is pancreatic duct। This is common bile duct. This is correct, hepatopancreatic duct. Concept clear beta? Yes or no? Yes. चले आगे। अब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से क्या हो रहा है। ऊपर से bile आया through something called as common bile duct. यहाँ से you have pancreatic juices, common hepatopancreatic duct. आगे गया ampulla region में आके wait कर दिया वो, ठीक है? क्योंकि sphincter है। sphincter का नाम क्या है? sphincter of ODI. अब ये ODI car में से एक बंदा बाहर निकलता है, let's say that is your digested food. digested food आपन क्या मानता था? क्या you call it as तो ऑडी कार से निकला एक बंदा जिसे हम कह रहे हैं काइन, ठीक है? ये काइन जो है वो ऑडी कार के अंदर जो बहता हुआ इंसान है उसको बोल रहा है, जो वेटर होगा ना बेसिकली, तो वो वेटर को बोलता है कि जाओ जाके अंदर से सारे जूसेस लेकर आ जाओ, जाओ अंदर से जूसेस लेकर आ जाओ, मुझे आगे और डाइजेशन करनी है। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडा है, इस वेटर को बोलेगा, वेटर क्या करेगा, वेटर बोलेगा हाँ भाई चलो बाइल दे दो, हाँ भाई तुम्हारे ये भी जूस दो, हाँ तुम्हारा वो भी जूस दो, पैंक्रिया के सारे जूस ले लेगा, ठीक है? और वो साथ साथ में क्या भाई, साइलेंट करो या स्विच ऑफ करो, दूसरी बारी बज रहा है, ठीक है? तो वो बोलेगा बाइल दे दो, फिर ये बोलेगा पैंक्रिया के ये वाला पेप्सिन भी दे दो, ट्रिप्सिन भी दे दो, अमाइलेज भी दे दो, लाइपेज भी दे दो, सब दे दो। तो भर के उसने कॉकटेल पूरा रेडी कर लिया। किसने किया रेडी? कौन था ये बंदा? नहीं, कौन था ये बंदा? वेटर था ना? यस और नो? वेटर ने किया ना, वेटर ने मांगा ना सब। क्या कर रहे हो यार, ऑडी कार में से बाहर एक बंदा निकला, फिर उसको याद आया ओहो मैं तो एंजाइम लाना भूल गया, तो उसने वापस ऑडी कार के अंदर ही बोला कि भाई ओ वेटर साहब दीजिए हमको हमारा सारा जूसेस। तो वेटर ने सब लिए ना बेटा। तो दिस एम्प्यूला is also called as ampulla of waiter. You call it as ampulla of waiter. समझ पा रहे? ये term हमको NCERT में नहीं दिया है, ठीक है? This is not given in NCERT. तो काहे पढ़ा है सर? तुम जा रहे हो ना मेडिकल में, तो कुछ इन्फॉर्मेशन साथ में लेके जाओ, है ना? KEM में जाओगे तो होशियारी मारने को काम आएगा, कि हमको तो सब सिखाया गया, कि हमको आता है, हमको पता है क्या है। समझ पा रहे हैं? काय पार्थ, डॉक्टर पार्थ, अभी क्लियर? जाओ पूरे यहां तक नामकरण सारे क्लियर है अपने को, सारे के सारे? एक और नामकरण बच गया है लास्ट, जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, ठीक है? देखो ये हो गया हमारा पैनक्रिया, कुछ ऐसे ये ऐसा डक्ट है यहां पर, बराबर है बेटा? ये डक्ट के पास बहुत ही बोझ है, बहुत ही ज्यादा बोझ, क्योंकि एक तो पहले वो कितने सारे एंजाइम्स लेकर आ रहा है, एंजाइम्स तो साथ में लेकर आता है लेकिन वो बाइल को भी साथ में लेकर आ रहा है कि नहीं बेटा? एंजाइम्स भी साथ में ला रहा है, बाइल को भी साथ में ला रहा है, तो बहुत ज्यादा उसके पास बोझ है, ठीक है? और जिसके पास बहुत ज्यादा बोझ है और बोझ होने के बावजूद अगर वो काम करे तो उसको हम बोलते ना कैसा वीर इंसान है,
भूवीर नहीं, वो नाना है भूवीर प्रताप सिंह वाला नहीं, बाजू वाला नहीं अपना, ठीक है। ये वीर मतलब द वन हु इज बहादुर, यस और नो? यस और नो? बहुत सारा चीज लेकर आ रहा है ना पैंक्रिया में से, ऊपर से ना एक और काम उसका बढ़ गया श्रावणी, बताओ क्या? उसको ये भी छाटना है कि कौन से हार्मोन से, तो हार्मोन मुझे लेके नहीं जाने, समझ पा रहे? हार्मोन तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, हार्मोन थोड़ी डक्ट में जाता है, हार्मोन किधर जाएगा? ब्लड में जाएगा, यस और नो? सो इन दैट केस, एक तो पहले उसका ये काम है कि सारे एंजाइम्स को अलग करो और हार्मोन्स को अलग करो, फिर उन एंजाइम्स को अपने अंदर भरो और भर के इतने लंबे पैंक्रिया से लेकर जाओ और बाइल के लिए वेट भी करो, जब तक वो नहीं आता तब तक वेटर में सब भर के रखा है और वेटर भी रुका हुआ है। सो नाउ बिकॉज वो इतना सारा काम कर रहा है और अच्छे से कर रहा है, इस वजह से जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसको हम एक और नाम दिए है, विच इज डक्ट ऑफ वीरसन, डक्ट ऑफ वीरसन, ठीक है। क्यों बोला गया है? अच्छा वीर का नाम भी स्पेलिंग भी गलत है, W I R S I N G, ठीक है, डक्ट ऑफ वीरसन। व्हाई इज इट कॉल्ड वीरसन? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, ठीक है। प्रोबेबली द साइंटिस्ट हू फाउंड आउट दिस पर्टिकुलर थिंग उसका नाम वीरसन होगा, सो बेसिकली इट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ वीरसन। आर वी क्लियर अप टिल हियर? एनी डाउट्स? चलो एक बार क्विक रिविजन करें क्या क्या हमने पढ़ा वो फिर से, क्या बोले हम? What did we do so far? Initially we said that you have a largest gland in your body, which is an exocrine gland called as liver. Called as liver. तो इतने सारे जनों तुमसे बड़ा आवाज तो मेरा है, it is called as liver. ये liver जो होता है वो bilobed होता है, दो lobes, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, दोनों attached ही होते हैं बेटा, एक ही साथ एक ही structure है, बीच में से partition होगा क्या सर? हाँ, थोड़ा सा tissue होता है जो partition जैसा देता है, but literally नहीं होता, चीजें आपस में exchange कर सकता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर, इस पर्टिकुलर लोब के अंदर यू हैव सम हेक्सागोनल छोटे छोटे लोब्स व्हिच आर कॉल्ड एज लोब्यूल्स, व्हिच आर कॉल्ड एज लोब्यूल्स, क्योंकि ये लोब्यूल्स लिवर में है, यू क्लासिफाइड टू बी एज हेपेटिक लोब्यूल। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? बाइल जूस को लेके आने वाले डक्ट का नाम क्या होगा? हेपेटिक डक्ट, और वो डक्ट डायरेक्ट लिवर में जाएगा, करेक्ट? नहीं, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाएगा, करेक्ट? तो किधर जाएगा वो? गॉल ब्लैडर में। किधर जाएगा? तो जैसे ही गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर में वो बाइल जो है वो ऐसा वेट कर रहा है, तुम बुलाओ फिर हम आएंगे, ठीक है। तो दिस इज द वेटिंग एरिया, वहां पे बाइल क्या कर रहा है? स्टोर भी किया जाएगा और कॉन्सेंट्रेट भी होगा, कॉन्सेंट्रेट माने ज्यादा से ज्यादा बाइल उधर रिलीज किया जाता है, समझ पा रहे बेटा? चले आगे। अब जब बाइल अपना गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट बाहर आएगा तो वो कौन से डक्ट से आएगा? और फिर मर्ज हो जाएगा हेपेटिक डक्ट के साथ, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एक कॉमन डक्ट जो है वो आगे आगे जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, और जाता है किधर? सीधा पैंक्रिया के पास। पैंक्रिया के पास उसका खुद का डक्ट है, क्या नाम है उसका? या फिर दोनों मर्ज हो गए और आगे गए टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बने? ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट आगे से ना फूगा हुआ है, जहाँ पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता है ना, वो रीजन उसका फुगा हुआ है। फुगे वाले रीजन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एम्प्यूला का एक और नाम है, क्या नाम है? एम्प्यूला ऑफ वेटर। फिर जब फूड आ जाएगा तब वो फूड सामने से मांगेगा चीज, किसके पास से मांगेगा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई वो ओडिकार को बोलता है कि जाओ जाके वेटर के पास से सारे जूसेस लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ओडिकार जो है वो सारे जूसेस को उसके अंदर से बाहर निकाल देता है, और वो सारे जूसेस जाएंगे कहां पे बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हिच इज नथिंग बट ड्यूओडेनम, ठीक है। सो यू विल हैव बाइल जूस एज वेल एज यू विल हैव पैनक्रियाटिक जूसेस दैट विल नाउ एंटर इन इंटेस्टाइन। एनी डाउट सो फार? ऑल क्लियर अप टिल हियर? इतना पहले लिखिए फिर लिवर के स्ट्रक्चर पे चलते, ठीक है। जस्ट राइट अप टिल हियर। Now, when we talk about liver, very specifically, जो लिवर होते हैं
वो कुछ लिवर हैज सम स्ट्रक्चर लाइक दिस करेक्ट, और इसमें यहां पे हमने कहा कि ऐसे कुछ लोब्यूल्स है, हम एक लोब्यूल को जूम कर रहे हैं this is just one single lobule that we are zooming up we shall revise this back again tomorrow lekin aaj dhyan se pad lo kal khali revise hi karenge is part ko theek hai ab dhyan se dekhna kya hoga ye pura ek lobule hai is lobule ke andar har ek edge mein se kuch aise bahut sare cells bahar nikalte hain jo aise arranged hai line mein theek hai ऐसे 400-500 लाइन हो जाएंगे सेल्स की अभी गेटिंग द पॉइंट ये जो सेल्स हमको दिखाई दे रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज हिपैटोसाइट्स क्या मानता था यहाँ पर क्या मानता था यहाँ पर ये हिपैटोसाइट्स आर नथिंग बट बेसिक यूनिट ऑफ योर लिवर विच इज नथिंग बट सेल्स ऑफ द लिवर सो इट इज हिपैटोसाइट्स इन हिपैटोसाइट इन इस पर्टिकुलर लोब्यूल के आसपास यू हैव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज प्रेजेंट एक शाइनी प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो कनेक्टिव टिश्यू से ही बनता है ठीक है ये शाइनी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो अपने को बाहर दिखाई देता है इसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल्स क्या कहेंगे क्या बोलेंगे शाइनी प्रोटेक्टिव कवरिंग हर एक के पास हर एक ग्लोब्यूल के पास होगा ये एक नहीं हर एक ग्लोब्यूल के पास इसलिए जब तुम डाइसेक्शन करोगे ना फर्स्ट ईयर लेट्स सी इफ नॉनवेज कितने दिन खाते हैं पूरा गांव ही खाता है गोट गोट कितने लोग खाते हैं अच्छा आजकल में अगर कभी खाने वाले रहेंगे इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में जब मैं हूं तब गोट का ना लिवर लेके आना काटने के पहले ठीक है यू विल सी मैं कह रहा हूं नहीं व्हाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ गोट का लिवर अपना लिवर सेम सेम दिखता है आई विल टेल यू व्हाई उसको हम डाइसेक्ट करके गॉल ब्लैडर वगैरह सब देखेंगे प्रोबेबली गॉल ब्लैडर हम लोग काट के ही देते हैं दे डोंट गिव यू गॉल ब्लैडर गंदा होता है वो नहीं देते बट स्टिल चेक इफ यू आर गेटिंग इट ठीक है सो मतलब मैं भी ला सकता है पर लेकिन मुंबई से इधर लाऊंगा वो बिगड़ जाएगा ना और सुबह सुबह इधर किधर मिलेगा नहीं तेरे को पता तो तू रात को लेके उसको फ्रिज में रख सकता है ना हमसे में दर्शन सब भी सुविधा ना से ठीक है बोल रहे ये भी मैं कर दूँगा पीस भी मैं दूँ सर और बाकी मटर भी मैं ही लाऊँ सो बेसिकली जब तुम डाइसेक्शन करोगे फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री में या अभी भी अगर तुम गोट का लिवर देखोगे उसको जो बाहर निकालते हैं ना चमकता है शाइनी होता है वो बोले सर चकाचौ नाखे हो जाएगी उतना नहीं बट इट इज शाइनी मैं तो बोलेंगे सर चमकी गए ऐसे ऐसा सन की तरह नहीं शाइनी माने ऐसा शाइनी बोल के सर चमक रहे वैसा ठीक है जल्दी अपना स्किन ऐसा नहीं चमकता ना तो इट्स शाइनी इन नेचर बिकॉज ऑफ विच यू कॉल इट एज ग्लिसन्स कैप्सूल ठीक है अब ग्लिसन्स कैप्सूल तो ठीक है इसके बाहर ना यू हैव सर्टन स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्लड होता है एक्चुअली पहले ये पढ़ा देना चाहिए था मेरे को यू हैव सम ब्लड वेसल्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर व्हिच इज अलाउइंग ब्लड टू फ्लो इनसाइड तुम डाइजेस्ट अपना सर्कुलेशन में पढ़ चुके हो कि हार्ट जो रहता है उसके पास पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से ब्लड आता है थ्रू समथिंग कॉल्ड एज वेन्स एंड इट एंटर्स इनटू द राइट साइड ऑफ योर हार्ट फिर इट गोज टू द लंग्स From lungs it gets oxygenated and comes to the left side of the heart, and from left side of the heart it goes to different body parts. ठीक है? चलो इसको थोड़ी देर इतना समझ के भी साइड में रखो. बेसिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देख लो.
अच्छा, are you guys aware about hepatic portal system? अपना portal systems? Yes. What are portal systems? Organ to organ जाएगा, organ to heart नहीं जा रहा है. Organ to organ is called as portal system. तो अब scenario क्या होता है? हमारा जो small intestine है, वहाँ पे food जो है वो absorb हो गया. Food absorb होने के बाद इस particular chunk के अंदर बहुत सारा glucose unit है. समझ पा रहे? ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है यहाँ पे. अब ये ग्लूकोज इतना भारी मात्रा में होता है कि हम उसको अगर पूरे बॉडी में डाले ना, तो इतना हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से सेल्स फट सकते हैं. ठीक है, इस वजह से हमारा पैनक्रिया इस चीज को सेंस कर लेता है. तो पैनक्रिया फटाक से एक स्ट्रक्चर, एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन. इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जाता है लिवर के पास. लिवर के ये जो सेल्स है ना, उनको बोलता है कि देख, मैं पहले ना ब्लड तेरे पास डाल रहा हूं, हार्ट को नहीं दे रहा. तू जितना ज्यादा ग्लूकोज ले सकता है उतना ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर ले. समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? देखो, ग्लूकोज एक लेवल तक ठीक है, एक लेवल से ज्यादा हुआ ना तो वो हानिकारक हो जाता है बॉडी के लिए. तो इस वजह से इंसुलिन जो होता है वो हिपैटिक सेल्स को बोलता है, हेपेटोसाइट्स को बोलता है कि मैं तुझे ब्लड दे रहा हूं आउट ऑफ द वे जाके. ओरिजिनली वो ब्लड हार्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन मैंने काफी रिक्वेस्ट किया स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो बोला ठीक है चल, पूरे बॉडी का सवाल है ना, तो मैं ब्लड पहले डायरेक्टली लिवर को देता हूँ, फिर लेकिन लिवर को बोलना कि वो ब्लड आगे पहुंचाए. ठीक है, तो ब्लड सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन से गया लिवर के पास, और लिवर के अंदर जो हेपेटोसाइट्स है अब वो एक्टिवेट हो गए. अब फर्स्टली जब ये ब्लड इधर से आ रहा है, will that blood come through arteries or veins? तुम बताओ, will the blood come from arteries or veins? Veins. Nakki? Very good. It will come from veins. Why veins? ठीक है, ये वो confidence वाला veins नहीं आया ना, because हम खुद doubtful थे कि क्या होगा. देख, यहाँ पे जब blood आया, तब oxygenated blood आया small intestine के पास. उसने ऑक्सीजन डोनेट किया सारे सेल्स के पास और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, सो इट बिकेम्स डीऑक्सीजनेटेड. और प्लस उसने डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो हो गया किसमें, ब्लू कलर बना रहा हूं ताकि तुमको समझे कि वो जा रहा है वेन्स के अंदर. ठीक है, दिस वाज सपोज टू बी आर्टरीज, आर्टरी से हो गया वेन्स के अंदर. अब ये जो वेन्स है, दे विल ब्रिंग दैट ब्लड ओवर हियर, दे विल ब्रिंग दैट ब्लड ओवर हियर. सो दिस वेन इज वॉट, hepatic portal vein. This vein will be going to some liver मतलब एक ही liver, वो liver के पास जाएगा. ठीक है, liver के पास जाएगा. अब ये small intestine से सीधा liver के पास गया बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, hepatic portal system नहीं कहेंगे, यहाँ पे उसे vein की कह देंगे. Hepatic portal veins. ठीक है बेटा, समझ रहे हैं क्या होता है portal systems? Basically, generally हमारे body के organs में से blood collect कर करके heart के पास direct जाना चाहिए, ये अपना normal cycle होता है, cardiac cycle होता है. लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा चीज हो रहा है, थोड़ा उल्टा नहीं लेकिन थोड़ा divert कर रहा है वो रास्ता. Instead of letting the blood directly go to the heart, it lets that blood go to the liver. जब लिवर में वो जा रहा है तो ऑब्वियसली ये जो वेन्स है वो ब्रांच हो जाएंगे ना बेटा. सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट यू सी ओवर हियर, दिस स्ट्रक्चर दैट वी सी विल बी कॉल्ड एज ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन. बराबर, ब्रांच हो गया ना, समझ पा रहे? वेन्स आएगा तो पूरा पूरा अंदर नहीं घुस सकता, वो जाड़ा होता है बहुत, तो उसे बाइफरकेट करना पड़ता है, उसको डाइवर्ट, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको ब्रांच आउट करना पड़ेगा. तो दैट इज नथिंग बट ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन्स. तो ये लाल लाल क्या हो गया सर? हार्ट जब सारे ऑर्गन्स को ब्लड दे रहा है तो इसको भी तो देगा ना ब्लड, यस और नो? अथर्व बोलता है लेकिन ये तो दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड, तो अलग से हार्ट के पास से और ब्लड लेगा क्या? देखो, यहां से जो ब्लड मिल रहा है ना, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. समझ पा रहे? आर वी गेटिंग द कॉन्सेप्ट? देखो, इधर से जो ब्लड आया ना, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, न्यूट्रिएंट्स बहुत है,
ब्लड का दो काम है, एक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और एक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो न्यूट्रिएंट्स तो ये दे रहा है लेकिन ऑक्सीजन का क्या? सो ऑक्सीजन देने के लिए यू विल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला वेन, ऑक्सीजन डोनेट करने वाला ब्लड वेसल विच इज कॉल्ड एज आर्टरीज, कॉल्ड एज आर्टरीज। दिस विल बी हिपैटिक आर्टरी, विल बी हिपैटिक आर्टरी बिकॉज हिपा में जा रहा है, सो इट इज हिपैटिक आर्टरी। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक आर्टरी। अब ये हिपैटिक आर्टरी जो है अंदर घुस जाएगा, कुछ ऐसे घुस गया अंदर, बराबर बेटा। अब जब ये ऐसे अंदर घुसा, इसने इसका ऑक्सीजन दे दिया इस पर्टिकुलर सेल्स को, तो सेल्स सामने उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी देंगे, यस और नो? तो सेल्स ने उनके कार्बन डाइऑक्साइड इनको डोनेट करना शुरू कर दिया, समझ पा रहे? सो दिस बिकम्स व्हाट? वेन्स, इट बिकम्स व्हाट? वेन्स, समझ पा रहे? ये जो स्ट्रक्चर इधर बना ना, दिस स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्मड ओवर हियर, जहां पे ये ऑक्सीजन डोनेट भी कर रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहा है, है ना? सो दिस स्ट्रक्चर दैट यू सी ओवर हियर इज कॉल्ड एज सिन्यूसॉइड। हैवंट दैट सिन्यूसॉइड, हैवंट दैट सिन्यूसॉइड। तेरे मल्टीपल सिन्यूसॉइड ऐसे, त्या सिन्यूसॉइड से काय उपयोग है? त्या सिन्यूसॉइड से उपयोग आहे की तो ऑक्सीजन डोनेट करणार हेपॅटोसाइट्सला, सो दॅट दे कॅन परफॉर्म दी मेटाबॉलिक रिएक्शन्स। सेकंड, ये जो ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन्स है वो भी तो अंदर जा रहे हैं, तो वो भी बनाएंगे सिन्यूसॉइड्स, यस और नो बेटा? ये क्या करेगा? दिस विल गो ऑन गिविंग दी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, समझ पा रहे हम कि नहीं समझे? ये जो है वो भी अंदर जा रहा है, and this is only giving, is it taking anything? No sir, only giving, no taking, only giving। Aap it clear beta? Everyone? Yes। Yahan tak concept clear? Yes। Once more or understood? Understood। Pakki baat। Ab ye bahut sare veins mein se blood aaya, ye jo center part hai na, idhar ye sara blood jama ho jayega। गंदा ब्लड है ये? नहीं, अच्छा ब्लड है। कैसे सर? क्योंकि इस रीजन के अंदर यहाँ पे यू हैव न्यूट्रिएंट्स, यू हैव वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अच्छा कैसे हुआ? न्यूट्रिएंट्स है ना भाई पूरे बॉडी में, देखो डाइजेस्टेड इधर हो गया, वो डाइजेस्टेड फूड बाकी बॉडी में कहाँ गया है? अभी तक नहीं गया ना, सीधा किधर गया पहले? वो रिपोर्टिंग कहां पे किया? वो लिवर में। तो लिवर से जब कोई ब्लड बाहर जाएगा तो वो तो अच्छे क्वालिटी का ही हुआ ना, क्योंकि भारी मात्रा का न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर। लेकिन बुरा इसलिए है वो क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है। सो देयर इज डिफरेंस, यू हैव एन इम्प्योर ब्लड, यू हैव प्योर ब्लड, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दैट, समझ पा रहे? दिस व्हाट यू सी इज स्टिल अ प्योर ब्लड, ठीक है, और आई वुड रादर क्लासिफाई इट एज इम्प्योर ब्लड ओनली। व्हाई? बिकॉज़ यू हैव डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स आल्सो, ठीक है, अमोनिया वगैरह भी इसके अंदर है, अभी अमोनिया वगैरह भी है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, प्लस यूजफुल मेटाबोलाइट्स भी है इसके अंदर जो अभी तक पूरे बॉडी में गया नहीं। कोनो डाउट एवरीवन? यहां तक क्लियर? इस रीजन को हम क्या कहेंगे ये कल के एपिसोड में, ठीक है? अभी भी लाइग्रेस इतना इंफॉर्मेशन काफी है, ठीक है? कल हम वापस से डायग्राम बनाएंगे, कल हम वापस से ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन तब मैं इतना डिटेल तुमको पूरा नहीं बताऊंगा, तो अभी जितना पढ़ा है उतना लिख लो, कल आई विल रिवाइज एंटायर कॉन्सेप्ट, ठीक है? विल गो अहेड एंड इसका नामकरण करेंगे, ठीक है? ध्यान रख, क्लियर? वंस मोर और अंडरस्टूड सबको? चलो लिख लो फटाफट।